आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल में। अभी हम मौजूद है वैजापुर, और वैजापुर में यहाँ पे औरंगाबाद 2024 लोकसभा के उम्मीदवार उद्धव ठाकरे गट के चंद्रकांत खैरे यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं औरंगाबाद लोकसभा से। तो यहाँ पे वैजापुर में आने की वजह यह है कि यहाँ पर आज जो है तो सुषमा ताई अंधारे शिवसेना उप नेते यहाँ पे आने वाले हैं, और यहाँ पे जनता को संबोधित करेंगे किस तरीके से ये लोकसभा इलेक्शन होने वाला है और औरंगाबाद ज़िले का समीकरण क्या है। और देखते हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो टक्कर बताई जा रही है तीन कैंडिडेट में है, उद्योग बाड़ा साहब ठाकरे के चंद्रकांत खैरे है, शिंदेगढ़ के संदीपान भुमरे है, और MIM पार्टी से इम्तियाज़ जलील है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है शिवसेना उद्योग गट के कुछ नेता मंडली है, सरपंच साहब यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वैजापुर का समीकरण क्या है और इलेक्शन की कैसी धूम चालू है यहाँ पे। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सीधे सीधे सवाल मैं ये करूँगा कि 2024 लोकसभा इलेक्शन का समीकरण आपके नज़र में कैसा है और किस तरीके का खासदार इस बार जो है तो ज़िले को मिलने वाला है? अभी इस समय तो खैरे साहब चुन के आने वाले, ये सब माहौल देख के तो हमको अभी लग रहा है। आज यहाँ पे सुषमा ताई अंधारे इनकी यहाँ पे सभा है, ये सभा का आयोजन आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पे हमारे शिवसेना के सब कार्यकर्ते नेतागण इन्होंने किया है। कम से कम 10,000 लोगों का ये सभा में आगमन होने वाला है, और खैरे साहब बहुत भारी वोटों से चुन के आने वाले, यही कहूँगा। लेकिन उनके टक्कर में जो है तो शिंदेगढ़ के संदीपान भुमरे है, और ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि क्योंकि दोनों भी शिवसेना है आमने सामने। खैरे साहब तो 50-60 हज़ार वोटों से, भारी वोटों से चुन के आने वाले हैं। खैरे साहब के टक्कर में तो हमारे को कोई यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है जी। सर आपसे मेरा सवाल ऐसा है कि पिछले टाइम चंद्रकांत खैरे को इम्तियाज़ जलील के सामने हार मिली थी, इस बार आपको क्या लगता है कैसा समीकरण बैठेगा? क्योंकि ये इस बार की जो सिचुएशन है सेम वैसी ही नज़र आ रही है जैसे पिछले टाइम सिचुएशन थी, सिर्फ चेहरे बदल गए, तो आप क्या कहें? पहली बार जो मराठी लोग हैं उन्होंने अपना जो हर्षवर्धन जाधव था उसको वोट देने के चक्कर में खैरे साहब को छोड़ दिया था। अभी ये बार वो गलती जो हो गई पिछले साल, ये बार वो लोग वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि खैरे साहब ये बार 50-70 हज़ार से लीड से चुन के आने वाले जी। तो आगे विकास को कैसे देखते हैं आप अगर खैरे साहब चुन कर आते हैं? खैरे साहब आएंगे तो अभी विरोधी पक्ष नेते अम्बादास दान में दो साल हो गए उनको, विरोधी पक्ष नेते हो गए। आज तक विधान परिषद का कोई आमदार ने बैजापुर तालुके में 7.5 कोटी रुपये का निधि किसने दिया नहीं, तो अभी उसकी वाटचाल विकास पे जी। लेकिन यहाँ पे जो विकास का काम अभी कर रहे हैं, हमारी उनसे भी मुलाकात हुई, यहाँ के जो आमदार है उन्होंने महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा निधि ला के काम करने वाले एक में आमदार बने हैं वो, तो उन्होंने जो है तो जब यहाँ पे वैजापुर में विकास शुरू किया, और अभी जो है तो उन्होंने संदीपान भुमरे के साथ में है और शिंदेगढ़ में है, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा आपको? नहीं, कुछ नहीं फर्क गिरेगा, पब्लिक को सब मालूम है ये जो निधि लाया आमदार साहब ने, वो तुम बोल रहे हो बात सही है, पर ये निधि लाया हुआ है कब? उद्धव बाला साहेब ठाकरे वो जब मुख्यमंत्री थे तब ये निधि मंजूर किया हुआ है, तब ये निधि इधर आया हुआ है, वो काम अभी हो रहे हैं जो उद्धव साहब ने जो काम मंजूर किए थे वो काम अभी हो रहे हैं जी। अच्छा, आपसे मैं ये जानूंगा कि वैजापुर जो है तो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो साइड में वोट वैजापुर के जाते हैं तो वो कैंडिडेट निकलता है। पिछले टाइम यहाँ से इम्तियाज़ जलील को 35,000 वोट मिले थे और यहीं से उसको लीड मिली थी, तो इस बार आप क्या देखते हैं किधर जाने वाले वोट? चीट नहीं आता इस बार, जो पिछले बार MIM को जो इम्तियाज़ जलील को मतदान गए थे वो मुस्लिम समाज के जो एक ही कैंडिडेट था इम्तियाज़ जलील, इस बार वंचित का सेपरेट कैंडिडेट है, MIM का सेपरेट कैंडिडेट है, इसकी वजह से वो जो मतों का डिवाइडेशन होने वाला है, और इस हमारे साथ भी मुस्लिम समाज भारी संख्या से है, और इस वैजापुर तालुका पिछले 4 टर्म से खैरे साहब को लीड देते आए हुए हैं, और इस बार भी वही 4 टर्म के जैसे लीड ये वैजापुर तालुका खैरे साहब को बहुत भारी संख्या से लीड देगा।
सरपंच साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे दो शिवसेना आमने सामने है, तो कितना मुश्किल हो रहा है प्रचार करने में, लोगों को समझाने में? आप ग्रामीण क्षेत्र से जाने जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से लोग, क्योंकि धनुष्यबाण जो लोग हैं, धनुष्यबाण के ऊपर पहला हाथ जाता है बटन दबाने का, तो अब आपको बोलना पड़ रहा है भाई मशाल एक नंबर पे, आप मशाल का बटन दबाइए। ये चुनाव लोगों ने, काश्तकार लोगों ने हाथ में लिए हुआ चुनाव है, लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। काश्तकार बहुत परेशान हुए हुए हैं, उनको प्याजों को भाव नहीं है, उनके कपास की बुरी हालत हो गई है, इसलिए लोगों को बटन बोलने की ज़रूरत नहीं। खैरे साहब बोले तो मशाल, उद्धव साहब बोले तो मशाल, ये लोगों के माइंड में फिट हुए हुआ है। कम टाइम मिला आपको अपना चिन्ह परिचय कराने में? नहीं, कोई कम टाइम नहीं मिला। खैरे साहब की उम्मीदवारी फाइनल होने के बाद सामने कोई उम्मीदवारी लेने के लिए तैयार नहीं था संभाजीनगर में। ये तो हमको एक महीने से हम प्रचार को लग गए खैरे साहब के, सबको मालूम है खैरे साहब की मशाल है। छोटे छोटे बच्चे को पूछा क्वेश्चन तो वो बोल देते खैरे साहब का निशानी क्या है, बोलते मशाल है। क्योंकि खैरे साहब के सामने कोई उम्मीदवार तैयार नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पास ही उम्मीदवार तैयार नहीं था चुनाव लड़ने के लिए। और ये तो पार्सल, ये तो जालना मतदार संघ के आमदार है, और ये आमदार के बारे में बोलने का रहा तो एक ही बात बोलूँगा मैं, वो हमारे वैजापुर विधानसभा कार्यक्षेत्र का विद्युतीकरण का 57 करोड़ का निधि था, 400 ट्रांसफार्मर के हमारे वैजापुर कार्यक्षेत्र से मंगा गए थे, लेकिन उन्होंने सब 400 ट्रांसफार्मर का 57 करोड़ रुपए का निधि पूरा पैठन में लाट लिया, इसलिए सब काश्तकार लोग नाराज हैं। इसलिए या खैरे साहब को बहुत भारी वोटों से हम चुन के लाने वाले। आखिरी सवाल, जो नए वोटर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है, कैसे कैंडिडेट को देखकर वोट डालना चाहिए, आगे देश किस राह में जा रहा है अपना? अभी एग्जिट पोल देखा गया तो आज जो भारत सरकार मोदी सरकार के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार का नाम तो हटा दिया है उन्होंने, हिटलर से लाई है, मोदी सरकार से नाम से जाना जाता है। भारत सरकार कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, वो तो अभी 205 210 के ऊपर जाने के लिए दिख नहीं रहा है। यहाँ पे इंडिया एयरलाइंस की आगाड़ी का यहाँ पे सरकार बनने वाला है, सब लोग यहाँ पे समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि ये इंडिया एयरलाइंस का सरकार बन रहा है, इसलिए खैरे साहब को इसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। तो चलिए, ये हमारे साथ में वैजापुर की नेता मंडली थी, और आज वैजापुर में ताई आने वाले और बहुत जोर शोर से चंद्रकांत खैरे का यहाँ पर प्रचार चालू है, और देखना ये है कि अब कौन बाजी मारता है, क्योंकि नए वोटर्स भी है, वोटिंग बढ़ चुकी है। लेकिन मैं एक ही कहूँगा कि जब भी वोट डालने के लिए जाए तो एक बात ध्यान में रखे, जातिवाद पर वोट ना दे, देश को अगर आगे बढ़ाना है तो विकास को देख कर वोट दे।